मुबारक हो आपको, वो माँ बनने वाली है। क्या कहा आपने? मैं समझ सकती हूँ, टेक योर टाइम। आप ही आपको जज्बात में आकर फैसले नहीं करने चाहिए। अब तो कर लिया फैसला, पीछे नहीं हट सकती मैं। बेबी की शॉपिंग कब शुरू करेंगे? शॉपिंग? कौन सी शॉपिंग? उसके कपड़े, खिलौने, सब जरूरत की चीजें। अभी तो बहुत जल्दी है। वैसे भी I'm really busy with this new project. साहिब, आप हमारे बेबी को लेकर खुश नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। Just don't want to exaggerate my feelings. ठीक है तुम? सब ठीक है या फिर कोई बात छुपा रही? हाँ सब ठीक है समित। मैंने दो सवाल किए हैं तुमसे। आप क्यों मुझे बिला वजह परेशान कर रहे हैं? परेशान नहीं कर, परेशानी खत्म करने का सबब बनना चाहता हूँ। आपको इस सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। Proves my point. देखो कोमल, हमारे रिश्ते के कई पहलू, उनमें से एक पहलू दोस्ती भी। ताकि तुम शौहर को नहीं बताना चाहती हो तो एटलीस्ट एक दोस्त को ही बता। सलमान, आपका मसला क्या है? आपको समझ में नहीं आता क्या? शौहर है आप मेरे, खुदा नहीं है जो आते सवाल शुरू कर दिए। मुझे जवाब देना होगा तो मैं दे दूंगी। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज मुझसे कहता है। I'm really sorry, सलमान। मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। I understand. It's okay. छोटी मोटी बातें तो होती रहती। अब मैं कॉफी बनाऊं आपके लिए? हाँ। I don't like this attitude, Isha. तो फिर और क्या करूं मैं? आप मुझे साफ साफ बता दें कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। मेरी प्रायोरिटी तुम हो, ये मुझे अभी भी समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा तुम्हें। सुबह 10:30 के अपॉइंटमेंट पे पहुंच चुके। ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हम 10 बजे चले जाएंगे। साहिर सो गए हैं? सो लिया मैंने। साहिर 10:30 बजे पहुंचना है वहां पे। अब क्या बाहर आएंगे, नाश्ता करेंगे, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। साहिर प्लीज जल्दी करें। साहिर, साहिर हमें देर हो रही है।
इतना फजूल वक्त नहीं है मेरे पास, कब वेट नहीं कर सकती। ईशल, हेलो, कहाँ हो तुम? मैं गाड़ी में हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम इंतजार नहीं कर सकती थी मेरा? मैंने कहा था हम साथ चलेंगे। मैं जितना इंतजार कर सकती थी मैंने कर लिया था। आपको जरा भी एहसास है वक्त का? डॉक्टर्स का सारा दिन मेरे लिए बैठे रहेंगे वहाँ पे। ये तुम किस तरह बात करी मेरे से? जाहिर गलती आपकी है और मुझे ही सुना रहे हैं आप। ईशर, उस वक्त से तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। प्लीज साहिर, आज हम काफी बहस कर चुके हैं, फिर से शुरू मत हो जाएं। वो जो तुमने मेरे मुंह पे फोन बंद किया था, वो मैं बहस कर रहा था। मैंने आपसे कहा ना, मैं बहस के मूड में नहीं हूं। आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड ईशर। तो फिर और क्या करूं मैं? आप मुझे साफ साफ बता दें कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। मेरी प्रायोरिटी तुम हो, ये मुझे अभी भी समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, फिर आइंदा से वक्त की पाबंदी का ख्याल कीजिएगा। साहिब, तुम अपनी इस कंडीशन को लेके मुझे वीक मत समझना। छोड़े साहिब, छोड़े मुझे साहिब। अभी मैं घिर जाती तो सुनने का शौक नहीं है मुझे। अपने आप को बदलने की कोशिश करें। पापा मुझे हर्ट करके फिर सॉरी बोल के फिर कोई बेमानी कर दिया है लव्स। तुम सही कह रही, मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा। Please forgive me. It's okay. मेरे सामने किताब को प्रायोरिटी दे रही हो। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मुझे तो बिल्कुल भूल जाओगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
आपकी हिम्मत कैसे हुई है किताब फाड़ने की? पागलपन की एक्टिंग करते करते सच में पागल हो गए आप। ज़बान संभाल के बात करो ईशर, वरना वरना क्या क्या करेंगे आप? हाथ उठाएंगे मुझ पर? सुन करने के अलावा आपको और आता भी क्या है? Just shut up, ईशर, just shut up. To hell with you, your book and your baby. जरा भी ख्याल नहीं है आपको हमारी खुशियों का साहिर। हमारी? ये तुम्हारी खुशी है। क्या हुआ कमल, रो क्यों रही हो तुम? कहीं फिर से साहिर ने इशू? नहीं सर, मत, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना। इस तरह अचानक जाने की बात क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता, आप प्लीज के कराए का मकान ढूंढे, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मुझसे ईशल आप ही की हालत नहीं देखी जाती। ईशल की वजह से जाना चाहती हो? हाँ। ईशल माँ बनने वाली, ऐसी हालत में किसी अपने का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी अम्मी भी अब इस दुनिया में नहीं रही, तुम्हें ईशल का साथ देना। लेकिन सरमत, आप खुद भी तो यहाँ से जाना चाहते थे। हालात, हालात अक्सर इंसान का फैसला बदल देते। सर, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जिस तरह साहिर भाई आपके साथ बिहेव करते हैं, और ईशल आप ही भी। पछतावा, पिछली बार जो मैंने किया उसका पछतावा मुझे आज तक है। इसकी बार मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिसका पछतावा मुझे मरते दम तक। कौन तुम ईशल? ईशल का साथ मैं हूं तुम्हारे साथ, देखना सब ठीक हो जाए। मगर सर, मत कौन, तुम्हारी खुशी की खातिर मुझे सब कुछ कबूल, सब कुछ। अब सिर्फ हमें ये सोचना है कि हमें आगे करना क्या है। जी यहाँ पे ना, सहमत कब जागे आप? अभी कुछ देर पहले। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं कि अब आगे क्या करना है। मतलब? मतलब ये कि हमने यहां रहकर ईशल की मदद करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अगर साहिर ने फिर से हमें यहां से जाने का बोला तो हम इनकार नहीं कर पाएंगे। आई मीन, ईशल कितनी बार लड़ेगी उससे? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसका भी हल सोचा है। साहिर को दूसरों को नीचा दिखाकर बहुत मजा आता है, बहुत सुकून मिलता है उसे। मैं उसे ये मौका खुद दूं, फिर वो चाह कर भी मैं यहां से नहीं निकल पाया। इनफैक्ट हमें यहां रखना उसकी जिद बन गई। फिर अगर ईशल भी हमें यहां से जाने का बोलती है तो साहिर हमें यहां से नहीं जाएंगे। ऐसा क्या सोच लिया आपने? मैं साहिर से जॉब मांगूंगा, उसी की कंपनी में। क्या
आप क्या कह रहे हैं सरमद? हाँ, मैं साहिर से जाकर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे दे। उसे बहुत सुकून मिलता है जब कोई उसके सामने भीख मांगता है, हाथ फैलाता है। वो इनकार नहीं करेगा और फिर वो ईश्वर को दिखाएगा कि ये देखो, ये वही सरमद है जिससे तुम शादी करना चाहते थे। आज वो मेरा मुलाजिम। मेरी नजर में यही एक रास्ता है यहां रहकर ईश्वर की मदद करने का। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग साहेब, मुझे आपसे कुछ बात करनी। अगर पैसे चाहिए तो कुर्बान भाई से बात करो। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जॉब चाहिए हमारी कंपनी में। जॉब चाहिए, वो भी मेरी कंपनी? लेकिन क्यों? तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसके लिए लोग हसरत। रहने के लिए घर है, खाना पीना सब कुछ है, लिबास है, नौकर चाकर है, गाड़ी है, तो फिर नौकरी की? सेल्फ रिस्पेक्ट। आई वॉन्ट टू रीगेन माई सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, यू हैव टू अर्न। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, और ये भी जानते हो कि मेरी प्रमोशन हो चुकी है, इंक्रीमेंट लग चुका था, गाड़ी भी मिलने वाली थी, और ये सब कुछ मैंने अपने बलबूते पे हासिल किया था। भीख नहीं मांगता हूं। Impressive. तुम ये भी जानते हो दैट आई एम क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। I won't let you down. You can't afford to let me down. ठीक है, मैं कुछ कहूँ। Give me a few days. Thank you. Thanks a lot. मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्लीज ट्रस्ट मी। अगर मौका दिया तो मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। क्या कर रही? मैंने सोचा आज रात को डिनर पे चलो, बड़ा दिल चाह साथ तुम्हारे लिए थोड़ा सा एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा। नहीं जाहिर, आप जाए, मुझे आराम करना। क्या बात कर रही है ईशु, मैं अकेला डिनर कैसे कर सकता? जैसे मैं डॉक्टर पे अकेली जाती हूँ, वैसे आप डिनर पे अकेले चले जाए। ये बात है, बदला लेना चाहिए। बदला लेना मेरी फितरत में नहीं, मैं अब तक बहुत कुछ कर चुकी होती। Michelle, I don't like this. Excuse me. मैं भी बात कर रहा था तुमसे। Michelle, कोमल, कोमल कहाँ हो भाई? नाश्ता ले आओ, देर हो रही है।
थैंक यू। ये ईशल आपी के लिए है, मैं अभी आई। भाई एक सेकंड, ईशल आपकी आपी है तो हम भी आपके शौहर हैं, हमारी भी कोई खिदमत कर लीजिए। आप दो मिनट वहां बैठे, मैं बस अभी आई। ठीक है जी, हम दो मिनट यहाँ बैठ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यासरा, मैं ईशल बात कर रही हूँ। डॉक्टर वो मुझे फ्लू हो रहा है, कह रहे कहीं बुखार ना हो जाए, आप प्लीज कोई मेडिसिन रिकमेंड कर दें। अच्छा, इस कंडीशन में नहीं ले सकते? है कोई होम रेमेडी कुछ भी? तबीयत बहुत खराब हो रही है। स्टीम, ठीक है, आई ट्राई। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। बस इशू एंड दिस। क्या हुआ आपको? मुझे बचाना चाहिए। आप ही, मुझे तो जरा भी हैरत नहीं हो रही। साहिर भाई से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगा था, मुझे लगा था कि साहिर अपने होने वाले बच्चे को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पता नहीं और कितने दुख लिखे हैं मेरी जिंदगी में। क्या कुछ बर्दाश्त किया है कोमल, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने अपना सफर जहां से शुरू किया था, आज भी मैं वहीं खड़ी हूं। आप बताएं आपी, आप क्या चाहती हैं? मैं हर तरह से आपका साथ दूंगी। बस मैंने बहुत सही, मैं अपने बच्चे पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। साहिर को पागलपन के नाटक से निकालने के, उनको तो कानून के कचहरे में देखने के लिए मैं मां बनने के लिए तैयार हो गई, तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ मुझे नहीं थी कि उनसे कितनी मोहब्बत हो जाए। तुम्हें पता, इसके आने की उम्मीद से सब कुछ भूल गई, सारे जुर्म जो साहिर ने मुझ पे किए, इसने मेरे अंदर इतनी मोहब्बत जगा दी है कि मैं भूल गई थी कि मुझे कभी किसी से नफरत नहीं थी। लेकिन साहिर हमेशा मुझे गलत साबित कर देते हैं, बार बार मुझे याद दिलाते हैं कि मुझे उनसे कितनी नफरत है। आप ही प्लीज संभाले खुद को, आपका बीपी हाई हो जाएगा और फिर बेबी को भी नुकसान हो सकता है। मैं बता रही हूँ को, ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो साहिर चाहते। मैं अपने बच्चे को खत्म नहीं करूंगी। बिल्कुल आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और मैं आपका हर कदम पर साथ दूंगी। प्रधान भाई, मैं चाहता हूँ ये फैसला आप करें। प्रधान भाई, इस दुनिया में सिर्फ आप हैं जो मुझे समझते हैं। आई ट्रस्ट यू। थैंक यू।
भाभी आप कहाँ जा रही हैं? क्लिनिक जा रही हूँ, लेकिन घर में सबसे झूठ बोला। प्लीज कोमल तुम सब संभाल लेना, अगर साहिल तुमसे पूछे तो कह देना कि मैं सैलून गई हूँ। अगर मुझे कॉल करेंगे तो मैं भी यही कहूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है। और आप शायद मुझे देर हो जाए आने में, प्लीज जस्ट हैंडल एवरीथिंग। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। वहां पर अब जाए। शहजाद। जी सर। दूसरी गाड़ी कहाँ है? सर वो मैम लेके गई है। अच्छा ठीक है, जाओ। अगर साहिल को पता चल गया कि मैं डॉक्टर के पास आई हूँ तो नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। हेलो जी साहिल, कहाँ हो तुम? सैलून में हूँ, अपने अपॉइंटमेंट का वेट कर रही हूँ। कौन से सैलून? सैलून, अगर सैलून का नाम बता दिया तो वहां फौरन पहुंच जाएंगे। प्लीज साहिल थोड़ी देर के लिए मुझे अकेले रहने दे। तो मुझसे दूर रहना चाहो? साहिर आप क्यों छोटी छोटी बात पर इस तरह इमोशनल हो जाते हैं? मेरे अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है, मैं घर आके बात करूंगी आपसे। कितनी देर में आओगी? मैम डॉक्टर आपका वेट कर रही हूँ। हेलो साहिर, कैसा रहा आपका आज का दिन? इट्स वेरी टफ। कोमल, ईशल का है? वो साहिर भाई आप ही सैलून गई हैं? सैलून? तुम क्यों नहीं गई साथ? मुझे मुझे घर पे बहुत सारा काम था, इसलिए मैं नहीं जा सकी। देखो घर के काम काज के अलावा औरत को अपना भी ख्याल रखना चाहिए। रिलैक्स, हैव सम फन, तुम भी जाओ। क्यों भाई समझ, एम आई राइट? यू राइट। वो इन्वेंट्री लिस्ट कंप्लीट होगी? वो साहिर एक्चुअली इन्वेंट्री लिस्ट आई हैव टू गो थ्रू इट एंड एज सून एज पॉसिबल इट विल बी। जुमला सही तरह बोलो ना। क्या मतलब? ये कहो कि इन्वेंट्री लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं होगी, जब हो जाएगी मैं आपको दे दूंगा। बिकॉज जहां तक मेरा इल्म है वो लिस्ट कंप्लीट हुई नहीं, एम आई राइट? नहीं साहिर, एक्चुअली प्रीवियस इन्वेंट्री का जो डेटा है सर, बात सख्त नफरत है मुझे झूठ से। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे खबर नहीं होगी? दैट्स माई ऑफिस, वहां तुम एक एम्प्लॉय हो। I own the place. काम नहीं हुआ मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी तीन दिन का काम एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन मैं समझ रहा था कि तुम आफ्टर आवर्स बैठोगे और काम को निपटा लोगे। लेकिन जब बीवी घर में इंतजार कर रही हो तो पांव किस तरह जमेंगे ऑफिस में? मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, मैं कल फर्स्ट हाफ में। कल फर्स्ट हाफ में? अगर मुझे कल फर्स्ट हाफ में चाहिए होता तो मैं कहता मुझे कल फर्स्ट हाफ में चाहिए। एनीवे यू डोंट नीड टू डू इट, क्योंकि इस वक्त कुर्बान भाई बैठकर तुम्हारा काम कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि कुर्बान भाई अपनी ड्यूटी फेथफुली करते हैं एंड आई ट्रस्ट हिम।
चलो कुमार। कहाँ? ईश्वर के पास, पार्लर, माय ट्रीट। जो भी ट्रीटमेंट तुमने करवानी है ऑनली। अब वो साहब है, मुझे रात का खाना बनाना है और भी बहुत से काम है, फिर किसी दिन। योर लॉस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, maybe next time. Forgot to tell you, meri Ishul se baat hui thi. She's at the clinic. Ready? किसके लिए? For the surprise. कौन सा surprise? Oh, come on, Isha. Just say it. क्या कह रहे हैं आप? अब तुम क्लिनिक बनने संवरने तो नहीं गई हो? प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने गई थी ना? हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। साहिर मुझसे ये गुनाह नहीं होगा। साहिर साहिब, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, आपकी जरूरतों का भी ख्याल रखूंगी, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। फिर तुम डॉक्टर के पास क्यों गई थी? डॉक्टर को बताने गई थी कि आइंदा मैं चेकअप के लिए नहीं आ सकूंगी। साहिब, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। Please trust me. अगर मौका दिया तो ईशन, अगर मौका दिया तो तुम्हें वही करूंगी जो आप कहेंगे। फ्रिज में खाना पड़ा है, शाम का गरम करके खा ले। मैंने कुछ फ्रेश खाना है प्यारी बेगम के हाथ से। कैसा है? मुझे भूख लगी, कुछ खिला दो। साहिर, रात के 3 बजे आपको भूख लगी है? हाँ भूख लगी है, भूख की वजह से नींद नहीं आ रही। प्लीज कुछ खिला दो। फ्रिज में खाना पड़ा है, शाम का गरम करके खा ले। मैंने कुछ फ्रेश खाना है प्यारी बेगम के हाथ से।
पे साइन करो। क्या है ये? कंसेंट फॉर्म, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का। कमरे में एक पेशेंट थी, वो कहाँ है? हम नहीं जानते, यहाँ पे रोज कई पेशेंट आते जाते हैं। ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? पेशेंट की निगरानी करना आपकी जिम्मेदारी है।